HCF और LCM का पार्ट 6 है, उदाहरण 9, 10, 11 इस पर हिसाब बतलाएंगे। तो नम्मा उदाहरण, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, मान लो 2, 3, 4, 5, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले दो का ही उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो 5 और 6, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5 एवं 6 से विभाजित हो जाए। यह किसकी परिभाषा है, LCM की है ना। तो इसका अर्थ है दोनों का LCM निकाल लो, 5 6 के 30, एक संख्या और जोड़ दो, मान लो 5 6 8 जोड़ दो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 एवं 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ये तो LCM की परिभाषा है। दी गई संख्याओं का LCM वह सबसे छोटी संख्या है जिसको ये दी गई संख्या विभाजित करता है ना। तो इसी को क्वेश्चन बना दिया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 6 एवं 8 पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 5 6 8 का LCM होगा, लघुतम समापवर्ती होगा। तो बोलो ये बन गया नम्मा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से, यानी प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसका अर्थ है इसका लघुतम समापवर्तक ही जो प्राप्त होगा वह ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये चारों संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो इसके लिए लिखना होगा 8 12 18 एवं 24 का LCM वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसे ये चारों संख्याएं, चार ठो है ना गिनती में, ये चारों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो यही मांग रहा है। अतः 8 12 18 एवं 24 का LCM निकाल करके आंसर लिख देंगे। 8 12 18 24 का LCM सीधे भाग दे दो 4 से, 4 2 8, 4 3 12, 18 4 6 24, अब 2 से 2 1 3 9 और 3 होगा, फिर 3 से 2 1 1 3 1, 4 2 8 3 24 72। बोलो उसको समझा। अगर 10 संख्या दिया रहे या 100 संख्या दिया रहे या 2 3 4 जितनी भी संख्या दिया रहे और पूछे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको, मान लो 4 ठो है 3 ठो है, ये तीनों संख्याएं विभाजित करेगी। तो ये तो LCM का परिभाषा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। उदाहरण 10, इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम बतलाते हैं। उदाहरण 10 पर, उदाहरण 10 में जो है, इससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम देखो। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे, है ना। तो मान लो 2 और 3 का लघुतम कितना होगा, 2 और 3 का 2 और 3 का LCM 6 होगा, 6 होगा। इसका मतलब 2 और 3 का LCM 6 होगा, तो 6 को 2 और 3 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यानी प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो दोनों का लघुतम समापवर्तक 6 है, तो 6 में मान लो अगर 1 जोड़ देते हैं, कहता है प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे, तो 6 1 7 होता है। अब 7 में 2 से भाग दो, 2 3 6 शेष 1 बचा, 7 में 3 से भाग दो, 3 2 6 शेष में 1 बचा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है
सात है, जिसमें दो एवं तीन से भाग देंगे तो हर हाल में शेष एक ही बचता है। थोड़ा बड़ा उदाहरण लो, मान लो चार और छ ले लिए, चार छ एक और ले लो आठ। अब अगर पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे चार छ आठ में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक दशा में शेष तीन, समझे? तो चार छ आठ अपने लघुतम समापवर्त को एलसीएम को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तो इसका एलसीएम क्या होगा? चार छ आठ का तो सीधे भाग दे दो चारे से, चारे कन चार, छ चार दूनी आठ, दो से देंगे दूतिया छ एक, चार दूनी आठ त्रिक चौबीस है। तो चार छ आठ का एलसीएम बराबर चौबीस। इसका अर्थ है एलसीएम चार छ एवं आठ का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को चार छ एवं आठ पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। इसका अर्थ है चौबीस में हम लोग चार से भाग देंगे तो चार छक्के चौबीस, शेष में शून्य बचा है ना। फिर चौबीस में छ से भाग देंगे तो इसमें भी छ चौका चौबीस, शेष में शून्य बचता है। फिर चौबीस में आठ से भाग देंगे तो आठ तिरिक चौबीस, शेष में शून्य बचता है। क्योंकि दी गई संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है, अर्थात शेष शून्य आता है। ये न होगा तो ऐसी स्थिति में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे चार छ आठ में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष तीन बचे। तो यहाँ पर शेष तीन कब बचेगा? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब है चौबीस जो यहाँ पर है, ये चौबीस जो है इसमें अगर हम लोग तीन जोड़ देते हैं तो चौबीस तीन कितना हो जाएगा? सत्ताईस होगा। चौबीस में तीन जोड़ेंगे तो सत्ताईस, ये भी चौबीस में तीन जोड़े तो सत्ताईस। अब सत्ताईस में चार से भाग दो, चार छके चौबीस, शेष बचा तीन। सत्ताईस में छ से भाग दो, छ चौका चौबीस, सत्ताईस में से चौबीस गया तीन, आठ तिरिक चौबीस, सत्ताईस में चौबीस गया तीन। तो इसका अर्थ है इसके एलसीएम से तीन अधिक लेंगे तो वही तीन शेष में बच जाएगा। समझा बात को? मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका? तो ये संख्याएं जो है 14, 21, 28, 35 अपने एलसीएम को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। अगर इसका एलसीएम जितना भी हो उस एलसीएम से एक अधिक होगा, क्योंकि एलसीएम को विभाजित करेगा तो शेष में शून्य बचेगा। अगर उस एलसीएम में एक अधिक होगा, एक जोड़ देते हैं तो शेष में एक बचेगा, दो जोड़ते हैं तो शेष में दो बचेगा, बचेगा ना, तीन जोड़ते हैं तो शेष में तीन बचेगा। वह छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम, यानी ये चारों का एलसीएम जोड़ पांच, पांच एक्स्ट्रा है, एलसीएम को तो काटेगा तो शेष में शून्य बचेगा ही, एक्स्ट्रा में शेष में पांच आने का अर्थ है ये एलसीएम में पांच जोड़ देंगे। तो 14, 21, 28 एवं 35 का एलसीएम क्या होगा? 14, 21, 28 एवं 35 का एलसीएम बराबर, तो सीधे सात से भाग दे देंगे तो ये कितना होगा? सात दूनी 14, सात तिया 21,
सात दूनी 14, सात किया 21, सात चौका 28, सात पंचे 35 होगा ना। दो से भाग दो, 1, 3, 2, 5, सात दूनी 14 किया 42, दूनी 84, पंचे 420, 84 पंचे सीधे 10 से गुना करके 2 से भाग दे दो 420, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बराबर 420 जोड़ 5 बराबर 425 आंसर। अब इसको टेस्ट कर लो, 420 को एलसीएम है सब काटवे करेगा, 420 को काटेगा 14 से भाग दो, फिर 420 में 21 से भाग दो, फिर 28 से भाग दो, फिर 35 से भाग दो, ये 30, 14 को 30 से गुना करेंगे 420, शेष में शून्य 21, इसको 20 से गुना करेंगे 21 को 20 को, तो 420 शेष में शून्य 28, इसको 15 से गुना करना होगा है ना, 28 को 15 से गुना करेंगे 420 शेष शून्य, और 35 7 12 से गुना करना होगा इसको, तो 420 शेष शून्य। अब कह रहा है जो 14, 21, 28 एवं 35 का लघुतम समापवर्ती एलसीएम जो होगा, तो एलसीएम को तो पूर्ण रूप से काट रहा है, तो इसका अर्थ है शेष शून्य होगा। अब कह रहा है जो कौन सी संख्या है, जो प्रत्येक वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में प्रत्येक में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो 5 शेष कब बचेगा, 420 420 कट गया, यहाँ 5 अधिक रहता यानी 425 है ना, तो 14 को 30 से गुना करेंगे 420, 425 में से 420 को घटाएंगे तो 5 होगा शेष। सेम कंडीशन, 420 को 21 पूर्ण रूप से काट रहा है, तो शेष 5 बचे, तो इसके लिए 420 के बदला 420 जोड़ 5 होगा, तब न शेष 5 बचेगा, सेम कहानी सब में है, तो इस हिसाब को अच्छा से समझिए। उदाहरण 11 को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 4 है, इनमें से प्रत्येक से पूर्ण रूप से विभाजित। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 8 एवं 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो 8 एवं 10 अपने लघुतम समापवर्ती को अर्थात एलसीएम को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, शेष में शून्य जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो हो गया 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 पंचे 40, 8 एवं 10 का एलसीएम 40 हुआ, तो 8 एवं 10 का एलसीएम 40 हुआ, मीन्स 40 को 8 एवं 10 पूर्ण रूप से काटेगा, वह सबसे छोटी संख्या 40 है जिसको 8 एवं 10 पूर्ण रूप से काटेगा, ये तो एलसीएम की परिभाषा है। तब सवाल पैदा होता है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 8 एवं 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब 8 एवं 10 यानी 40 में 8 से भाग दे रहे हैं, तो 8 पंचे 40, शेष में बचा शून्य, फिर 40 में 10 से भाग देंगे तो शेष 10 चौका 40, शेष में बचा शून्य। लेकिन प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 8 एवं 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो दी गई संख्या तो अपने एलसीएम को काटेगा यानी 40 को काटेगा, तो 5 घटाने पर, इसका अर्थ है
वह कौन सी संख्या है जिसमें से 5 घटाएंगे तब जो प्राप्त होगा उसको 8 एवं 10 काटेगा, तो 8 एवं 10 तो अपने एलसीएम को काटेगा, तो एलसीएम से ये 5 अधिक होगा, 40 जोड़ 5 45, तब ना 8 पंचे 40, अब 45 में से 40 गया तो 5, समझ रही है बात को? तो ये 40 के बदला यहाँ ऊपर में क्या होगा, 40 जोड़ 5, क्योंकि 40 जोड़ 5 का अर्थ है 45। अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर, तो 45 में से 5 घटाओ तो 40, और 40 को 8 भी काट रहा है और 40 को 10 भी काट रहा है, समझी बात? इसका अर्थ है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 एवं 24 प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक संख्या प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका अर्थ है ये 16, 18, 20, 24 अपने एलसीएम को पूर्ण रूप से काटेगा तो उसके एलसीएम से ये संख्या 8 अधिक है, दी गई सबसे छोटी संख्या तब ना 8 घटाएंगे तो अपने एलसीएम को प्राप्त कर देगा ये चारों और इसको काटेगा। तो पहले तो इसका अर्थ है इस चारों का एलसीएम निकालो, उससे 8 अधिक है तब ना 8 घटा देंगे तो बची हुई जो शेष प्राप्त होगा इसको 16, 18, 20, 24 काट देगा। तो सबसे पहले हम लोग 16, 18, 20 एवं 24 का एलसीएम निकालेंगे जी। ये भाषा में कैसे लिखाएगा, तो 16, 18, 20 एवं 24 अपने एलसीएम को पूर्ण रूप से काटेगा और शेष शून्य बचेगा। इसका अर्थ है कि वह सबसे छोटी संख्या दी गई संख्याओं से 8 अधिक होगा, तब ना 8 घटाएंगे तो ये अपने लघुतम समापवर्ती को काट देगा। तो इसके लघुतम समापवर्ती से एलसीएम से वह संख्या 8 अधिक है जिसके कारण 8 घटाएंगे तो उसका एलसीएम प्राप्त होगा और अपने एलसीएम को ये चारों संख्या काटेगा तो शेष शून्य बचेगा। तो वह सबसे छोटी संख्या बराबर दी गई संख्याओं का एलसीएम प्लस 8 होगा, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम इसलिए 16, 18, 20 एवं 24 का एलसीएम, तो इसमें 16, 18, 20, 24 सीधे 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, 18, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। अब 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 3 दूनी 6, 3 से लगेगा 2, 3 तिया 9, 5 1, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 48 और 3 पंचे 15, 48 को 15 से गुना करेंगे तो 480 जोड़ 240 यानी 720 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 720 को ये पूर्ण रूप से काट देगा 16, 18, 20 एवं 24 कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 एवं 24 से कटेगा। तो 16, 18, 20 एवं 24 से कटने वाली संख्या इन चारों का एलसीएम होता है जो 720 है। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या ये चारों का एलसीएम 16, 18, 20 एवं 24 से तो ये कट रहा है, तो कौन सी संख्या जिसमें से 8 घटाएंगे तब 720 बचेगा। तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो 720 जोड़ 8, 728 में से 8 घटाओ तब ना 720, इसीलिए सबसे छोटी संख्या बराबर दी गई संख्याओं का एलसीएम 720 जोड़ 8 बराबर 728 आंसर। बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो इस पार्ट में 3 हिसाब ही रहने दो।